हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम अपना देखने वाले हैं एचटेट का टीजीडी साइंस का देखेंगे कंप्लीट 2019 का पेपर डिस्कशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम नंबर मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, बाद में हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का सेपरेशन करने वाले हैं। तो पहले हम सीडीपी देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपको नंबर मार्क्स का सेक्शन रहता है, चाहे आप कौन से भी क्लास से हो, मान लो टीजीटी आप मैथ से दे रहे हो, साइंस से दे रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो नब्बे नंबर का तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई अलग नहीं है। हाँ, तो हम पहले सीडीपी देखेंगे अपना और देन उसके बाद में और थिंग्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक बार हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप आंसर हाईलाइट करेंगे तब आपको पता चल जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का अदर नेम क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, अपने को बताया कि इसे फुर्ती अवस्था नहीं बोला जाता। गिरोह से पहले वाली आयु भी होती है, गैंग एज मनाते हैं बच्चे, इस एज में गैंग मनाते हैं, चार पांच का तो ग्रुप होता ही है, ज्यादा भी हो सकता है, एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं, बट इसको हम स्मार्ट एज नहीं बोलता। नोट पूछा है तो मोस्टली जब भी क्वेश्चन आए इस टाइप के तो आपको इन टर्म्स पे ही अच्छे से ध्यान देना है, नोट वाले इनमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदापन बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार कितना होता है। तो एज वी ऑल नो स्टूडेंट, इनका प्रसार कितना होता है मंगोलिज्म के अकॉर्डिंग, 36 से 51 बताया गया था। तो इसका आंसर आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप आंसर टिक कर सकते हो, ये करेक्ट आंसर ही है आपके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या कह रखा है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच डज नॉट कैम एंटर प्रोसेस इन सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में कौन सा प्रोसेस नहीं होता, तो स्टूडेंट सोशलाइजेशन में वो सारी चीज़ तो आप सीखते हो समाजीकरण में, बट इगोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं आता इसके अंदर, नहीं पूछा ना इन्होंने, मोस्टली यहीं पूछे जाते हैं, ऐसे सी टेट में होता था आपका, नहीं में ट्रू नॉट ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इनमें ही ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो देखिए, सामाजिक रूप से हम तौर तरीके के बारे में जानते हो आप, कैसे आप सोशल रूल्स के बारे में डेवलपमेंट सोशल एटीट्यूड हो गए, बट इगोसेंट्रिक बिहेवियर का इसमें नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर, तो इसमें क्या पूछा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए एक बार, बुद्धि का एक प्रकार किसे कहते हैं, क्या कहा इन्होंने कि बुद्धि का एक प्रकार है आपका जो साधारणतः एथलीट सर्जन आदि में पाया जाता है, तो उसको क्या कहलाते हैं, उसका नाम बताना है आपको कि फोर्थ का क्वेश्चन में, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज मोस्टली विजिबल इन डांसर्स एथलीट सर्जन में, उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सबकी कॉमन बतानी थी, डांसर्स में बॉडी का पूरा होता है, एथलीट वाले का भी हो गया था, सर्जन का भी, वो सारी थिंग्स बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट ये जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, तो इसमें क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने पूछा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन एलिमेंट नहीं है, नोट पूछा है, देखिए इसको भी आपको ध्यान देना है अच्छे से, नोट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसका एम्पैथी होता है ना, जो सहानुभूति आप एक टाइप से बोलते हैं प्राणुति, ये नहीं होता, स्वयंगात्मक बुद्धि का तत्व, उद्यमी सामर्थ्यता आ जाती है, सेल्फ मोटिवेशन बोल सकते हो, हैंडलिंग रिलेशनशिप है, बट इसमें एम्पैथी नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड जो है आंसर वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या बोला है उन्होंने, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु, इस प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं। देखो इन्होंने बताया है कि इस टाइप से अगर स्टूडेंट सीख रहा है तो वहां पर क्या होता है, संयोगात्मक तो कुछ नहीं है ना, ये अधीनस्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाकोटि सीखना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वैसे हम इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं है, आपको पता होगा हम भी तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह, बट कुछ बच्चों ने बोला कि मैम अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट सॉरी कि आप नब्बे मार्क्स का भी एक बार हमें आंसर की बता दीजिए, पता चल जाए, तो इसके लिए हम बना रहे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री का देखना है तो उसमें हमने पीजीटी के तीन वीडियोस डाल दी हैं, 2022 का, 23 का, 19, 18 का पेपर डिस्कशन किया था। साइंस की हमने एक ही वीडियोस डाली थी और हम कंप्लीट लेके आएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या पूछा इन्होंने, आउट ऑफ द फिज नॉट ए ग्रुप ऑफ ए नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का पूछा हुआ इसमें, तो नॉट पूछा है ना स्टूडेंट, कौन सा नहीं है वो बताना है, तो ये आर्मी अल्फा टेस्ट होता नहीं है, नॉट वर्बल वाले में आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रूनफर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज के बालक किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है, किसमें पूछा हुआ स्टूडेंट्स ने, तो ये किसका होता है, मैक्रो सिस्टम का आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो तंत्र, ऑप्शन टू, एट्थ क्वेश्चन का ऑप्शन टू करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कोलब्रुक के नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों नियमों के अनुसार आंकता है, अगर अपने नियमों के अनुसार आंकता है तो उस अवस्था को क्या बोला गया है। कोलब्रुक काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जीएनपीएजी होगा, कोलब्रुक होगा, वाइगोत्स्की होगी, इनके बहुत बार पूछे हुए हैं। तो ये नैतिकता का परंपरागत स्तर के बारे में आपको बताता है, जिसको हम कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं मॉरलिटी का। तो नाइन्थ के क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या पूछा, बाल अपराध का आपने देखा होगा ना कि कितने क्रिमिनल होते
होते हैं, जो बच्चे 18 से बिलो ही रहते हैं, 14, 15, 16, 17 साल के, तो बाल अपराध का कारण नहीं ही पूछा है। शारीरिक दोष की वजह से करते हैं क्या? वो गरीबी की वजह से करते हैं, असफलता की वजह से करते हैं, या उचित घरेलू वातावरण की वजह से करते हैं? हाँ, ये नहीं है इसमें, ठीक है, अपराध का कारण नहीं है, उचित घरेलू वातावरण। अगर घरेलू वातावरण अगर उसको उचित मिल रहा है, उसको प्रॉपर मिल रहा है, तो वो नहीं करते। लेकिन इन्होंने नहीं पूछा है ना आपके, कर रही है बाल अपराध, इसको मतलब उचित घरेलू वातावरण है तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 में पूछ, देखिए क्या पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? इन्होंने पूछा संज्ञान से कोई संबंधित नहीं है वो बताना आपको। तो देखिए, प्रत्यक्ष बोध होता है, चिंतन भी आप करते हो, कंसेप्ट फॉर्मेशन भी करते हो, बट वॉकिंग का इसमें कुछ नहीं है संज्ञान वाले में। तो कॉग्निशन का चलना से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता? ये क्वेश्चंस तो आता ही आपका, तो याद रखना ये सेकंड स्टेज थी जिसमें बालक के संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, उनके तार्किक विचारों को प्रकट करना, उनके बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का टू पार्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को स्पीड लगता है तो प्लेबैक स्पीड में ऑप्शन होता है आपके पास, कम ज्यादा आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगता है जब बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो और वीडियोज बनाने का मन करता है, ठीक है। कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? इन्होंने पूछा कि नोट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, 4-3 में है मोटिवेशन के बट नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए, नीड हाँ है, ड्राइव्स है, एक इनिशिएटिव लेते हो, लेकिन रोट मेमोरी इसमें कुछ नहीं है, रटना आ गया इसमें, तो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, नहीं में रटना स्मृति आ जाएगा। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है व्यक्तित्व समायोजन की? फिर लास्ट में आपको दो क्वेश्चन भी देगी होमवर्क के, अच्छे से देखना, आपको कमेंट करके बताना, फिर देखते हैं कितने बच्चों ने अच्छे से वीडियोज की। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? बाधा निराकरण होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या जाएगा फिर आपका? बाधा निराकरण। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा हुआ आपका, संज्ञानात्मक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक से कहते हैं ये जो, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक को किसने प्रस्तावित किया है? तो इसमें आपको बताना है ये किसने बोला था, तो अपने को बताइए वाइगोत्सी ने कहा था, तो लेव वाइगोत्सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में, मान लो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसे कर सकते हैं, सीढ़ी भी मेनली हिंदी में ज़्यादा फ्रीफ रहती है इंग्लिश में, बट कई बार हिंदी की डिफिकल्ट लगते हैं तो आप इंग्लिश पे जा सकते हो, दोनों एक साथ ही क्वेश्चन रहते हैं, तो ये अच्छी बात होती है आपके लिए और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या जाएगा? समावेशीकरण, एकोमोडेशन इसका आंसर हो जाएगा, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना जो आपके पास होती है उसमें। अब देखिए, अपने शिष्य के स्वयंगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि एक अगर चाहता है कि इमोशनल डेवलपमेंट क्रिएट हो तो टीचर्स को क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंस, तो वह अपने शिष्य के प्रति एक प्रेम तथा स्नेह, ऐसे नहीं कि हर टाइम गुस्से में करे, एक लव अफेक्शंस प्रोवाइड करे, अगर वो इमोशनल डेवलपमेंट अगर बच्चे को वो बनाना चाहता है तो इसका 17 का क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 में उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है, तो वो इस टाइप के जो काल वाले क्वेश्चन आते हैं, मध्यावस्था का पूछ ले, चाइल्डहुड पूछ ले, एडोलसेंस पूछ ले, कितना होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 6 से 12 वर्ष होता है उत्तर बाल्यावस्था, बाद में एडोलसेंस एज शुरू हो जाती है, वो फीमेल्स के लिए अलग होती है आपके जो गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग होती है, प्यूबर्टी स्टेज भी गर्ल्स में पहले आती है कंपेयर टू बॉयज के, वो सारे एक मार्क्स में आ सकता है। अब देखिए, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एनडीआई मोटिवेशन फार्मूला, तो एनडीआई मोटिवेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना था आपको, ये मैकडूगल ने दिया था, तो मैकडूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्स्टन तथा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि थर्स्टन इंटेलिजेंस के लिए कुछ वर्ड्स बताए थे वो बताने हैं आपको, ठीक है, तो क्या बताया था उन्होंने, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, तो इसका आंसर फर्स्ट है जो वो करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या पूछा 21 में, कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थी के सहविद्यालय पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना? देखो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत है, तो ये जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो या वैसे अपने पीवाई की सॉल्व करते हो तो एक से दो बार पढ़िए क्वेश्चंस को, देन आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी में हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या जाएगा? कैरिकुलम सब्जेक्ट्स का, तो पाठ्यचर्या विशेष का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जिसको हम साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बोलते हैं वो कहाँ कब वहाँ हुई थी स्टूडेंट्स, वो वोंट ने की थी, तो इसका आंसर क्या जाएगा? वोंट। नेक्स्ट देखिए, बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंग दर्जे से कपड़े बालों के स्टाइल बना लें तो लिंग नहीं बदलेगा, ये तो नहीं है कि जैसे लड़कियां बड़े बाल रखती हैं तो बॉयज रख लेंगे तो वो हो जाएंगी, तो जेंडर तो वो अलग ही रहेगा ना, ये अगर मेंटेलिटी वो किस टाइप को आपको दिखा रही है, तो 23 का आंसर क्या होता है? लिंग सता, वो जेंडर कंसिस्टेंसी को दिखा रही है, ठीक है। और विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है, तो इन्होंने बताना था। 24 का थर्ड आंसर आ जाएगा, सतत और समग्र दोनों ही आते हैं इसमें, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन रहता है।
तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर ऑफ 24 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, इन्होंने पूछा रक्षात्मक नहीं है, पूछी है जो है ना वो नहीं टिक करनी है आपको, जो नहीं है वो करनी है। तो सहचारी एसोसिएशन नहीं होती है, तीनों तो आती है, आइडेंटिफिकेशन भी होता है, कंपनसेशन, रैशनलाइजेशन, बट एसोसिएशन इज नॉट करेक्ट। तो नोट ही पूछा इन्होंने बच्चों। तो 25 का आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। 26 में देखो क्या पूछा है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। अगर आपकी ये नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्वेंदी गामक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं बताई थी, इनके बारे में पता होना चाहिए प्री प्रश्न में क्या होता है कंक्रीट फॉर्म। अभी हम क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे थ्योरेटिकल चीजें भी जो हमें लगती है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आपका। 27 में देखो, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट, उसको डिस्कवरी लर्निंग बोला जाता है, दैट मीन्स अन्वेषण सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है, तो चौथा स्तर किसको बोला जाता है, अभिनव सृजनात्मकता को। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, कौन सा किशोर अवस्था का अन्य नाम नहीं है, वो बताना आपको, सफूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज नहीं है, या संघर्ष तनाव वाली नहीं है, बाल्यावस्था के बीच का संधिकाल नहीं है, तो ईजी आप कर सकते हो, अच्छे समायोजन की व्यवस्था बता सकते हो। तो दो क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट, अब हम स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं अपने हिंदी में, आपको पता होगा 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहते हैं। तो देखिए, हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये कारक से है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अधिकांश थोड़ थोड़ तो हमें भी याद अभी एक बार थोड़ा करनी पड़ेगी। तो देखिए, हिंदी इसका आंसर क्या जाएगा, कर्ता ने हेमंत को काके की कर्म, तो इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्म का संबंध होता अलग होता है, संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो इसका आंसर क्या जाएगा, कर्म कारक। 32 देखिए क्या पूछा, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प, तो हिंदी में एक क्वेश्चन तो आ जाता है अशुद्ध वाला, तो आपको ये आनी चाहिए। तो देखिए, दवाइयां ठीक है, प्राणी विज्ञान ठीक है, मृत्यु, लेकिन मृत्यु उपरांत में यू बड़ी यू लगा रखी है, तो ये आपका अशुद्ध विकल्प हमें चूज करना था। स्त्रिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छोटी है, अब देखो स्त्रिंग पुल्लिंग होते हैं हर एक चीज के, जैसे इन्होंने बता रखा, तो जो आपका अनुचित है दैट मीन्स जो ठीक नहीं है वो बताना आपको। देखो, कुंजड़ा कुंजड़िन ठीक है, धोबी धोबिन होता है, पापी आपका पापिन ठीक है, लेकिन तितर का तितरी नहीं होता, तो ये गलत है आपका, अनुचित हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ है आपका 38 के क्वेश्चन में, किस विकल्प में आ उपसर्ग के प्रयोग से कहते हैं, किस से बना है आपका, तो आ उपसर्ग का देखते हैं एक बार हम, से कहते हैं आ उपसर्ग। अब देखिए, आत्यंतिक में भी है, आतिथ्य है, आखिक का है, आधिपति है, तो ये उपसर्ग के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, ये अच्छे से देखना है। तो वैसे तो देखिए ना, आतिथ्य में भी है और आधिपति में भी है, तो 2 और 4 में से एक बार आप चेक करके बताना हमें भी कि कौन सा करेक्ट रहेगा, दोनों में ही आ उपसर्ग का यूज है, तो जो उसने ऑफिशियल आंसर की में है, आतिथ्य में भी है, आधिपति में भी है। ओके, तो 2 और 4 में से इसका आंसर रहेगा 38 का। नेक्स्ट 39 का क्वेश्चन क्या बोलता है, किस वाक्य में आज्ञार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है, आज्ञार्थवर्ती का प्रयोग किसमें हुआ, जब चार ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें हुआ है, आज्ञा मांग रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान हो, इस टाइप से विधेय अर्थवर्ती का प्रयोग है। 40 के क्वेश्चन में पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, अब इसमें और तो सही होंगे लेकिन एक गलत होगा, वो असंगत ही आपको छाटना है, तो वो कौन सा होता है, वेद वाला, बैल वाला ठीक है, पक्षी ठीक है, वेद आमन्य आगम आकार, तो ये पर्यायवाचक दृष्टि से असंगत है। भाववाची वाला विकल्प जिसमें एक भाव निकल रहा हो वो बताना है, तो कौन सा होता है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, एक भाव बता रहा है आपका, गर्मी लगती है आप उन्हें लेनाते ही हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम 42, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, निपात का प्रयोग कहाँ पे होता है स्टूडेंट, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, यहाँ पे हुआ है, इनों में नहीं हुआ, ये नॉर्मल थिंग्स थी। किस विकल्प में विसर्ग संधि, तो संधि वाला पोर्शन तो अच्छे से कर लेना, स्वर विसर्ग व्यंजन यण संधि है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, संधि वाला एक क्वेश्चन तो आपका रहने वाला है, तो इसका क्या जाएगा, दीपोत्सव में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ, शिरोधरे में भी है, तिरोधन में भी है, रजोभाव इसमें नहीं है, ठीक है, ये आपका स्वर संधि का पार्ट है। नेक्स्ट पूछा हुआ है, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद अंकित करना है आपको, कौन सा वो हुआ है, तो इसमें कौन सा होता है, रीतिवाचक, तो 44 का आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 45 में देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, एक वचन से बहुवचन बने विकलों में असंगत बताइए, तो देखिए वधु वधुए ठीक है, तरबुजा तरबुजो ठीक है, बालू बालू, डाकू और डाकू, डाकू ये बोलते हैं एक साथ कितने यूज हो रहे हैं, तो एक वचन से बहुवचन डाकू नहीं आएगा इसका, तो असंगत इसका यही होगा। तो हमने अभी तक आपका CDP कर लिया है, हिंदी कर लिया है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, अभी कमेंट कर सकते हो वीडियो के चलते चलते ही।
जब भी आप देख रहे हो उसको इंग्लिश में देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द, ये क्वेश्चंस तो आएगा ही। सिनोनिम वैसे तो देखो स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, कितने याद नहीं, सिनोनिम हो गया, एंटीनोम हो गया, जितने याद करो उतने ही कम होते हैं, बट जो कई बार नॉर्मल भी आ जाते हैं जो आप इजिली देख कर सकते हो, तो जो गैलेंट होता है उसका सिनोनिम मतलब सेम थर्स, तो वैलियंट होता है इसका मीनिंग, रूड अलग थिंग्स है, फियरफुल भी अलग है, इम्पोलेट, तो गैलेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, वैलियंट। तो 46 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 47 चूज द करेक्ट मॉडल, अब मॉडल बताना, मॉडल से क्वेश्चंस रहता ही है। देखो सम पीपल फिल इन द ब्लैंक स्काई बेटर देन अदर्स, दूसरों से दिखते हैं, तो इसका मतलब कैन एक एबिलिटी शो कर रही है आपका, दूसरों के बीच में बता रखा है ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा, कैन स्काई बेटर देन, ठीक है, क्या जाएगा, कैन। 48 में देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रहता है, तो आई पेड द बिल इन कैश, इन कैश है तो इन कैश आ जाएगा इजिली। चूज द करेक्ट वर्ड, ए मैन हु इज वोमिनस इन हिज, अपने हैबिट्स में है जो, तो वो बताना है आपको क्या आएगा उसमें, ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, एफिमिनेट टाइप का शो कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट जो वर्ड हम इसके लिए देंगे, जो एक मैन है ना एफिमिनेट शो कर रहा है, जो वोमिनस है अपनी आदतों में। चूज द करेक्ट एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, जैसे बंक करप्ट है, जिसका आपको पता होगा बैंक करप्ट होते हैं जो, जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते ना, जो बहुत ज़्यादा लोन वगैरह लेते, उस पर हम नहीं जा रहे वैसे अभी, तो इसमें देखो इन्होंने एंटोनियम बोला है, तो इसका पेनलेस का मतलब भी होता है पैसे नहीं है, इंसॉल्वेंट का मतलब है ऋण भी, तो इसका एंटोनियम मतलब अपोजिट हो जाएगा सॉल्वेंट। अब आते हैं हम 51 में क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन, तो लुक द गार्डन, तो इसमें क्या जाएगा, बिसाइड्स, तो बिसाइड डूइंग द कुकिंग आई लुक एट आफ्टर द गार्डन, करने के बाद मैं गार्डन में देखा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए आपको दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे थे, क्वेश्चन मार्क है, तो हमने आपको बताया था या वैसे आपको पता होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हो, तो जब भी क्वेश्चन मार्क हो तो सेट टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं हम, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन आस्क रहे थे, तो हमें इतना तो पता चल गया होगा आपको कि 52 का आंसर या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा। वाई डिड यू डू नॉट डू योर होमवर्क, तो इतना तो ठीक था, द टीचर आस्क हरी वाही, देखो हैड इन्होंने पहले ले लिया, पहले सब्जेक्ट तो नहीं लिखा, तो ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क इन द प्रीवियस डे, तो 52 का आंसर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सोचना ही था। चूज द करेक्ट प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, ये सही है, लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय एस, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, वीडियो बड़ी होने के बाद फिर थोड़ा अपलोड में प्रॉब्लम हो जाती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 90 मार्क्स का अलग ले लें और सब्जेक्ट का अलग, तो कुकिंग इन इज हॉबी, कुकिंग हॉबी है आपके पास, तो इसमें क्या जाएगा, जेरनेट। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, करेक्ट डिटरमाइनर क्या होता है आपका, ए लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग्स, मतलब थोड़ी, तो ए लिटिल आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। 56 का देखिए, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनी थिंग प्रॉपरली, कि मैंने कुछ ना ही सोए हैं ना ही खाया है अच्छे से प्रॉपरली 2 दिनों से, तो यहाँ पे बता रहा है, तो इन 2 डेज आएगा, सीन्स तो नहीं है, फिक्स है, बता रहा है आपका, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए आपको क्या पूछा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में थे आपके पास, तो दैट मीन्स वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, डिड यू नो फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट द वर्ड एटलस, किसी कहते हैं, तो इसमें क्या जाएगा, नो, जानने की पूछ रहा है, तो नो अबाउट द वर्ड एटलस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, अब पेरेंट्स ऑफ राइज एज टू बी ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोटअप, किसे कहते हैं, क्या आंसर आ जाएगा, ब्रोटअप। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, तो चारों में स्पेलिंग आप देखोगे तो कमेटेड ही स्पेलिंग जो सही है वो 2 वाली है, ठीक है। तो आई होप है आपको अच्छे से समझ आया होगा इतना जितना हमने डिस्कस किया है, ठीक है। हम इमोजी बना रहे थे आपके लिए, क्योंकि अभी हमने नोटपैड खरीदी नहीं है तो हम लैपटॉप से वैसे ही लेते हैं, चलो बन नहीं बन रही। अब देखते हैं हम अपना क्या बोलते हैं, जर्नल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस को, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस वाले में, तब तक हम एक बार चेक कर लेते हैं आपका कितने मिनट की वीडियोस, ताकि अपलोड में हमें प्रॉब्लम ना हो। 18 मिनट की हो चुकी है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स इतनी ही आज के लिए इनफ रहेगी, ठीक है। जर्नल सेक्शन वाला हम कर लेते हैं, फिर हो नहीं पाएगा अपलोड, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए, कोई प्रॉब्लम रह जाती तो कमेंट करके बता।